वो सूट पहनना शुरू हो गया हमारा हीरो अब ठीक है और वो तैयार हो रहा है, शुरू के सीन्स में था, और लड़की आती है और वो उसकी टाई बांधने लगती है। तो क्या राइटर ने ये लिखा होगा? वो लड़की जिसके घर में कभी किसी ने सूट ही नहीं पहना, बाप तो शलवार कमीज पहनता है, YouTube पे टाई कहाँ से बांधनी आई? और अगर अभी अचानक आ गई है तो फिर हमें पहले बता देते कि हाँ एक पिछले दिन भी स्ट्रगल कर रहा था, तो फिर हमें उस, जैसे तुम कह रही हो अब हम सीख लेते YouTube से बहुत सारी चीज़ें, तो वो स्ट्रगल और उसका समझ के और हेल्प आउट करना वो कहीं नहीं था कि मुझसे टाई क्यों बंधवा रहे हो, मुझे टाई कैसे बांधनी आई। मैं तो ये जानना चाहता हूं उसे कमरे में तेल डाला क्यों? ना एग्जैक्टली एक और सीन था, वो गोद में सर रख देता है सालार, जहाँ वो पूरी अपनी नरेट कर रहा है बचपन की कहानी, उसमें लड़की जो देख रही है वो यहाँ नहीं देख रही, वो वहाँ देख रही है। एग्जैक्टली आप ऐसा करो, अगर लग रहा है कि लड़की यूं देखते हुए अच्छी नहीं लगती तो आपको कोई ना कोई कैमरे को हिला जुला, लेकिन सम टाइम अगर आपकी गोद में ऐसे कोई है तो आप दूसरी तरफ देख के भी तो बात नहीं, सारी सारी वो बात देख लिया एड्रेस करते कुछ होना चाहिए मूवमेंट कुछ ऐसी, और वो बात ऐसी नहीं थी, वो बात इसी बंदे से हो रही थी कि बस सीधी सीधी लाइनें बोलना तो हर जगह पे नहीं चलता ना, एक्टिंग इज बियॉन्ड लाइंस, एक्टिंग आती ही तब है जब लाइन नहीं होती। अभी आपके पास सिर्फ सालार 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 था कहने को, तो फिर एक्टिंग चाहिए थी। एक और जगह जो मज़े की थी वो डाइनिंग टेबल थी, जहाँ वो कह रहे हैं कि आप तुम तो ऑफिस ही नहीं जाते, तो कहता है आपने बहुत अच्छा प्लान किया, आपने उनको बना दिया है जो भी CEO और अब वो संभाल लेंगे काम, सो वहाँ मेरी ज़रूरत नहीं है, उससे ज़्यादा ज़रूरी काम करने जा रहा हूँ। एक सीन जो मुझे समझ नहीं आया कि वो राइटिंग में भी गलत था, एक्टिंग में भी गलत था और डायरेक्शन में भी। स्टोरी मूव्ड टू वन पिवोटल पॉइंट कि लड़की को पता चल गया कि इसका ट्रॉमा क्या था, और ये भी तय हो गया कि यू नीड टू सी अ साइकेट्रिस्ट, और जुमला अच्छा था जहाँ वो दैट वन लाइन वॉज रियली गुड, जहाँ वो कहता है पहले तो वो मान नहीं रहा कि लोग पहले ही मुझे समझते नहीं है पागल कहेंगे, शी सेज कि अपने लिए कुछ करो, तो वो कहता है ठीक है फिर ज़िंदगी में दूसरी दफ़ा अपने लिए कुछ करता हूँ, और वो कहती है पहली दफ़ा क्या किया था आपसे निकाह, दैट लाइन टच्ड मी। उसके अलावा वो जगह सारी सही थी जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं, पहुँचने का तरीका कभी सही लगा कभी गलत लगा, कभी सही लगा कभी गलत लगा। सो मेरे लिए रद्द इज़ द जर्नी इज़ फाइन, बिकॉज हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं वो ठीक है, बहन के साथ भी जहाँ जा रहे हैं और मेन हमारे दो कैरेक्टर्स के साथ भी, बट थोड़ा सा क्वेश्चनेबल जर्नी है। सो मेरे लिए रद्द वुड बी वन थम्स अप। राइटिंग में जो तीन जगह मुझे बहुत मज़े की लगी, तो एक तो यही थी जिसकी अभी हमने बात की, जहाँ वो कहता हदिया की बात करता है और फिर वो कहती है कि मैं अभी इतनी अमीर नहीं हुई, वेरी टंग इन चीक वेरी मीनिंगफुल, और बहुत अच्छी तरीके से आई सही जगह पे। दूसरी वो जगह थी जो मैंने पहले की कि वो कहीं जब वो साइकियाट्रिस्ट के जाने के लिए उसको कह रही है और वो कहता है कि मैं नहीं हूँ रेडी, एंड देन ही सेज अच्छा चलो अपने लिए दूसरी दफ़ा कुछ करते हैं, सो वो पूछती है पहली दफ़ा क्या किया था, उसने कहा आपसे निकाह, वो अच्छी लाइन थी। एक और जगह जो मज़े की थी वो डाइनिंग टेबल थी, जहाँ वो कह रहे हैं कि आप तुम तो ऑफिस ही नहीं जाते, तो कहता है आपने बहुत अच्छा प्लान किया, आपने उनको बना दिया है जो भी CEO और अब वो संभाल लेंगे काम, सो वहाँ मेरी ज़रूरत नहीं है, उससे ज़्यादा ज़रूरी काम करने जा रहा हूँ, तो वो भी वेल रिटन सीन था। सो दीज थ्री सीन्स मेड अ लॉट ऑफ सेंस। बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता है इस ड्रामे में लॉस्ट इन ट्रांसलेशन हो रही हैं, बिकॉज ऑफ सो मैनी एलिमेंट्स दैट गो रॉन्ग। एक सीन जो मुझे समझ नहीं आया कि वो राइटिंग में भी गलत था, एक्टिंग में भी गलत था और डायरेक्शन में भी गलत था, वो जगह थी, छोटी सी जगह, बहुत छोटी जगह, शायद उसको मुझे इग्नोर भी कर देना चाहिए था, बट समहाउ इट जस्ट स्टेड विद मी। जब वो सूट पहनना शुरू हो गया हमारा हीरो अब ठीक है और वो तैयार हो रहा है, शुरू के सीन्स में था, और लड़की आती है और वो उसकी टाई बांधने लगती है, तो क्या राइटर ने ये लिखा होगा? वो लड़की जिसके घर में कभी किसी ने सूट ही नहीं पहना, बाप तो शलवार कमीज पहनता है, YouTube पे टाई कहाँ से बांधनी आई? और अगर अभी अचानक आ गई है तो फिर हमें पहले बता देते कि हाँ एक पिछले दिन भी स्ट्रगल कर रहा था, तो फिर हमें उस, जैसे तुम कह रही हो अब हम सीख लेते YouTube से बहुत सारी चीज़ें, तो वो स्ट्रगल और उसका समझ के और हेल्प आउट करना वो कहीं नहीं था। सो जिस तरह वो सीन आया है ना, इट लेफ्ट मी विद अ क्वेश्चन मार्क। राइटिंग के नंबर, आई वुड से गुड जॉब।
गुड जॉब सिक्स तो बात कर ही ली ना हमने क्योंकि नहीं समझ आया मुझे तो माँ का भी उस कोने में खड़ा होना थोड़ा और लगा था कि वो क्यों है इस कोने में जहाँ कहीं भी वो थी माँ कोने माँ वाला सीन जो कि ठीक था नहीं नहीं माँ तो कोने में नहीं थी शी वाज इन द ड्राइंग रूम नहीं वो तो लड़का तो एक ग्रीनरी से में आया ना वो तो बाहर से आ रहा था शी वाज इनसाइड इनसाइड बट वो गिरा जब तो वो बिल्कुल जो भी आग थी वो पूरे में चली हाँ सो उसने वो केरोसिन वहाँ तक ले आए थे ना दैट्स सो जो लोकेशंस आर नॉट मेकिंग सेंस दरवाजे कौन से कोई अंदर जा रहा है कौन से कोई बाहर आ रहा है नथिंग इज मेकिंग सेंस मैं तो ये जानना चाहता हूँ उसे कमरे में तेल डाला क्यों ना एग्जैक्टली एक और सीन था अपार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चनेबल सीन नंबर थ्री मेरा पहला था टाई दूसरा था ये और तीसरा था जिसमें कि वो गोद में सर रख देता है सालार जहाँ वो पूरी अपनी नरेट कर रहा है बचपन की कहानी और फिर उसके बाद जो भी बात हो रही है उसमें लड़की जो देख रही है वो यहाँ नहीं देख रही वो वहाँ देख रही है exactly. हाँ वो मुझे याद आई उसके बहुत ऑड था They get off point. बहुत ऑड मैं कैमरा थोड़ा सा नीचे ले आओ कुछ भी हाँ. आप ऐसा करो अगर लग रहा है कि लड़की यूं देखते हुए अच्छी नहीं लगती तो आपको कोई ना कोई कैमरे हाँ. को हिला जुला लेकिन सम टाइम अगर आपकी गोद में ऐसा कोई है तो आप दूसरी तरफ देख के भी तो बात नहीं सारी आपको फेस सारी बिल्कुल वाइल्ड उठते हुए ऊपर देख लिया एड्रेस करते हुए कुछ कुछ होना चाहिए मूवमेंट कुछ ऐसी नहीं चाहिए और वो बात ऐसी नहीं थी वो बात इसी बंदे से हो रही थी डायरेक्ट और इस ऐसे वक्त में हो रही थी जब वो आपकी गोद में सर रख के रो रहा था तो वहाँ भी डायरेक्शन ने मायूस किया सो द डायरेक्शन इज दिस टाइम इट वाज वेरी फाइव फाइव आई वुड से टाई हिबा को सोचना चाहिए था कि मुझसे टाई क्यों बनवा रहे हो मुझे टाई कैसे बांधनी आई उसे स्कूल में प्लेस वगैरह करती उस बात अब इतना कुछ हो नहीं ना सकता है तो टीवी है ना हमें तो एक्सप्लेनेशन हमें हमारे लिए वो जगह क्वेश्चनेबल हो जाती है फिर एक जगह थी जहाँ वो वही देखना लुक वाली जगह क्योंकि आप कहाँ देख रही थी क्योंकि आप नहीं देख रही हो ना ये आपकी गोद में है कोई अगर आपको कोई कह भी रहा है यहाँ मत देखें आप ज़रा यहाँ देखें तो आपको फिर मॉनिटर चेक करना है जाके कि भाई मैंने टीवी पे आना है अपनी शक्ल के साथ सो आई थिंक हार्डली एनी होमवर्क ऑन दिस एक्टर्स पार्ट इंपॉर्टेंट सीन थे हाँ इस वाले एपिसोड में वो ये वही है कि बस सीधी सीधी लाइनें बोलना तो हर जगह पर नहीं चलता ना एक्टिंग इज बियॉन्ड लाइन्स एक्टिंग आती ही तब है जब लाइन नहीं होती अब ये आपके पास सिर्फ सालार 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 था कहने को तो फिर एक्टिंग चाहिए थी सो वहाँ कुछ गड़बड़ हुई है सो आई थिंक इट्स 5.5 फॉर हर आल्सो 5.5 हाँ दिस इज राइट दैट शेहरयार इज द ओनली वन इन द होल ऑफ दिस सिनेरियो जो कि अपने ग्राफ को और अपने को बना के चल रहा है अपने कैरेक्टर को बहुत सीरियसली ले रहा है ओनली The one scene जहाँ वो रोया है I just wish he stayed up front, frontal for a little. मुझे लगा उसने बहुत तेज़ी दिखाई लैप में जाने की वो उसको नहीं करना चाहिए था वो उसका मोमेंट था और वो बहुत अच्छे तरीके से उस मोमेंट तक पहुँचा था और पहुँच के बन गया था वो मोमेंट एंड वो बुंस करके मोमेंट भी चला गया एंड ही ऑल्सो वेंट इन टू द लैप वो मुझे बिल्कुल मजे का नहीं लगा बाकी द रेस्ट ऑफ इट वॉज फाइन आई विश वो अपने को एक्टर की भी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले और मिल के सीन बनाने लगे बिकॉज ऐसे ही है सो आई वुड गिव शेहरयार खाने वाले सीन में शेहरयार ने फिर मुझे डिसअपॉइंट किया बिकॉज वो छोटे छोटे लुक में ले रहा था और खाना बिल्कुल ऐसे नहीं खा रहा था जैसे उसको खाना चाहिए था और एंड में तकरीबन प्लेट में पूरा खाना छोड़ के भी चला गया ये सब कुछ मैटर करता है ऑल ऑफ दिस इज अ पार्ट ऑफ योर एक्टिंग एंड योर कमिटमेंट टू एक्टिंग सिर्फ फाइट सीक्वेंस नहीं खाने वाला सीक्वेंस उससे भी कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो टोटल आपके कंट्रोल में उसमें आप फाइट इंस्ट्रक्टर्स नहीं बुला रहे आप सिर्फ अच्छा नहीं लग रहे आप एक लॉजिकल एंड ऑल बिग एक्टर्स आप उनके सीन देखें और खाने के सीन देखें और आपको इस जगह और इस जगह का फर्क पता चलता है सिक्स गुड जॉब नादिया